सो है दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड फाइनली हम आ गए हैं घाट पे। यहाँ पे आज से कुछ दिन पहले यहाँ पे छठ पूजा था, तो यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ पे थे, तो काफ़ी मन लगता था, काफ़ी अच्छा लगता था देखने में। लेकिन आज के दिन में आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई नहीं, पूरा सन्नाटा सा हो गया है। देख सकते हैं यहाँ पे हम सोनू और अनीश यहाँ पे आए हैं घूमने। ठीक है, चलते हैं और आप सभी को दिखाते हैं कुछ को। ठीक है, तो फ्रेंड आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सजावट की थी, यहाँ पे सब ख़त्म कर दिया, सब तोड़ फाड़ दिया। देखें कितना पहले कितना अच्छा लगता था, अभी कुछ नहीं है। और यहाँ पे हम श्री सप्ताह कितना प्यारा से बनाए थे, यहाँ पे सभी ख़त्म हो गया, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे सोनू सब नदी में मुँह धो रहा है। यहाँ पे केला का पत्ता सब काट कूट के ले गया, देख सकते केला के पेड़ पूरा तोड़ ताड़ के दिया है। यहाँ पे कुछ दिन पहले बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे, अभी यहाँ पर सन्नाटा हो गया है बिल्कुल। यहाँ पे देख सकते कैसा सीन हो गया है, नदी में पानी भी बहुत ज़्यादा है अभी, देख सकते हैं। हम लोग का यहीं पे घाट है, हम लोग का यहीं पे छठ पूजा होता है, हम लोग यहीं पे घूमने में भी आते हैं, कभी कभी आ जाते हैं। वहाँ पे सोनू और अनीश वहाँ पे गोल हाथ धो रहे हैं। ना जो अंतर बहुत पानी हो गंगे जी में सबके अर्पित होके आई। देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग हैं पानी में। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे बालू है, इसे मुंह धोते हैं तो काफी दांत चिकन हो जाता है, इसे जल्दी फिर मुंह धोते हैं। ठीक है, उड़ कर चले कर श्वेत पवन का। दोस्तों फाइनली हम यहाँ पे मुंह भी धो लिए हैं बालू से, अच्छा से दांत चिकन हो गया, देख सकते हैं। और यहाँ पे कूलर भी कर लिए हैं क्योंकि नदी का पानी शुभ माना जाता है, यहाँ पे काफी अच्छा पानी है, खराब नहीं होता। ठीक है, हम यहाँ पे कूलर कर लिए, फिर चलते हैं आगे, आपसे वीडियो में बने रहिएगा लास्ट। ठीक है, और शाम को हमारे इधर एक प्रोग्राम रखा गया है जो कि छठ पूजा का ही होने वाला था, लेकिन कुछ कारण की वजह से कल वो प्रोग्राम हुआ। ठीक है, चलते फिर आप सबको प्रोग्राम भी दिखाएंगे। ठीक है, ड्रामा जिसको बोलते हैं, ड्रामा का नाम है अति नाम दहेज, ड्रामा का नाम है दहेज। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये ट्रैक्टर में जेसीबी जैसा सेट किया हुआ है, इसे ही माटी खनाया जाता है। आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे बॉकेट सेट किया हुआ है, यहाँ पे इसको बोलते हैं ट्रैक्टर लोडर, इसको नाम है। जैसे यहाँ पे माटी खन के ट्रैक्टर पर लोड करता है, मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ा देर में ट्रैक्टर को कैसे माटी खना कर लोड किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे ट्रैक्टर बैठ गए हैं, ये एक्सेलेटर है, ऐसे ब्रेक। ठीक है, थोड़ा देर में आकर ट्रैक्टर तो उस पर कैसे लोड किया जाता है मैं आपको ऊपर दिखाने वाला हूँ, आप तो वीडियो बने रहिए लास्ट। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पर ट्रैक्टर भी आ चुका है, देख सकते हैं इसी पे लोड होने वाला है कुछ ही देर में। हम चल चल दोस्तों, मैं आप सबको दिखा दे ट्रैक्टर लोडर से कैसे ट्रैक्टर पर माटी लोड किया जाता है। तो फ्रेंड आज रात को प्रोग्राम है ड्रामा, तो मैं आप सबको ड्रामा दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलते हैं रात में। A few moments later. तो
साला वही मेरे पीरा जान ये साला अलग है देख ले बाली देखो चलना बिहार में आजा तब हम जित गए पोखरा पर हां बाबू और से मन है कि केहू लेखा दिन बसत चलते कहिए ल कि हम अपने जाके कौन ए बाबू वैसे बात न करिया हमारा करे के बारे हमारा देखा चाहे गदबर गदबर जवान हो गेल बाली।